कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, जिसमें ली है मैंने लाल मिर्च, काजू, बादाम, मूंगफली, सौंफ, जीरा, दो लौंग, तीन इलायची, चार पांच काली मिर्च, धनिया और तेज पत्ता। तो इन सबको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने लिए हैं आलू, इनको छील कर और पानी में डुबो दिया है थोड़ी देर के लिए ताकि ये काले ना पड़े। तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। मैंने आलूओं को काट लिया है, जो छोटे आलू हैं उनके दो पीसेस किए हैं, बड़े आलूओं के चार पीसेस किए हैं। तो हम रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी में और पानी से निकाल के इनको करते हैं मैरिनेट। आज हम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे आलू की सब्जी, जिसके लिए हम लेंगे पहले आलू, फिर उसमें डालेंगे दही, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और डालेंगे प्याज, कटी हुई प्याज, और साथ ही डालेंगे वो मिक्स मसाला जो हमने खड़े मसाले पीसे थे, बस वही। काफ़ी ज़्यादा डालना है फ्रेंड्स इसको। और साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा सा चिपक रहा है इसमें। यहाँ जाएगा हमारा एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ये जाएगा किचन किंग मसाला, साथ ही जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कसूरी मेथी। बस अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब रखेंगे इसको मैरिनेट के लिए 10 मिनट ढककर। इन सभी खड़े मसाले को हम मिक्सी में पीसेंगे। तो सभी खड़े मसाले हमने पीस लिए हैं। अब हम करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। मैंने गैस ऑन कर लिया है और कुकर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो चुका, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा और साथ ही डालेंगे कड़ी पत्ता। बहुत ही इजी तरीके से बनाई जा रही है ये सब्जी फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे ये जो आलू मैरिनेट करने के लिए रखे थे, बस यही सब जाएंगे इसमें। तो बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, इस तरह से आलू की सब्जी बनाएंगे आप, ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा झंझट होगा। बहुत ही इजी और टेस्टी तरीके से बनेगी ये आलू की नए स्टाइल की सब्जी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने उसी बाउल में पानी लिया था जिसमें मैंने आलू मैरिनेट करने के लिए रखे थे। हम इसमें लगाएंगे ढक्कन और दो बिसल आने तक पकाएंगे। डिफरेंट स्टाइल की आलू की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है।